नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल हर्ष पे आपका स्वागत करता हूँ। और मेरे पीछे डेस्कटॉप पे आपने जो तस्वीर देखी है वो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि और कोई नहीं बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हैं। शिल्पा शेट्टी को लेकर मैंने पिछले 2 वीडियो बनाए हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मुझे लगा कि इस पर कुछ और वीडियो बनाए जाएँ। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि इस मुद्दे पर आपको और वीडियो बनाने चाहिए, और इस बारे में कुछ एक्सक्लूसिव खबरें मैंने आपको दी। कल मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से शिल्पा शेट्टी ने अपने पति को डांट पिलाई कि तुमने इस तरह की हरकत क्यों की, जो पोर्न क्लिप्स वगैरह वाला मामला हुआ है। अब सबसे बड़ी शिल्पा शेट्टी के सामने दिक्कत ये हो रही है कि अपने घर में सबसे ज़्यादा वेल ऑफ शिल्पा शेट्टी है, सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास है। शिल्पा शेट्टी ही कायदे से सबसे ज़्यादा एंडोर्समेंट कर रही हैं, सबसे ज़्यादा विज्ञापन उन्हें मिलते हैं। इसके अलावा फिल्मों में भी काम करते रहती हैं। इसी सप्ताह उनकी हंगामा 2 रिलीज हुई थी और कई टीवी शोज़ को होस्ट करती हैं। और यहाँ टीवी शोज़ के होस्ट से मुझे ध्यान आया, ये जो स्टोरी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक डेली मेल, एक वहाँ का फेमस वेबसाइट भी है, अखबार भी है डेली मेल, और उसकी ये खबर है। ये देखिए इंग्लैंड की खबर है और इंग्लैंड में डेली मेल बहुत ही पॉपुलर अखबार माना जाता है, और इसकी जो वेबसाइट है मेल ऑनलाइन उस पर एक खबर छपी हुई है। इस खबर का अगर आप टाइटल देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पर लिखा हुआ है पुलिस सीज 48 टेराबाइट्स ऑफ मोस्टली एडल्ट इमेजेस एंड वीडियोस इन रेड ऑन बॉलीवुड स्टार शिल्पा शेट्टीज होम एंड प्लान टू क्विज हर अगेन एज पार्ट ऑफ प्रोब इनटू हर हस्बैंड्स पोर्न रैकेट। इसमें इस स्टोरी में ये बताया गया है कि शिल्पा शेट्टी के घर से और उनके हस्बैंड का जो ऑफिस है राज कुंद्रा का, उसमें से जो उन्हें सामग्री मिली है पोर्न फिल्मों की 48 TB, आप समझ सकते हैं कि 1 TB में 1000 GB होते हैं, तो 48 TB की जो मेमोरी है वो उनके कंप्यूटर्स की या फिर अलग से जो एक्सटर्नल हार्ड डिवाइस वहाँ पर रखी हुई थी वो पुलिस ने बरामद की है, और उसमें इतनी सारी पोर्न क्लिप्स भरी हुई है। और ये जो खबर चल रही है डेली मेल ऑनलाइन पर, इसमें इस सब का खुलासा ये भी किया गया है कि शिल्पा शेट्टी से भी इस बारे में जल्द ही पूछताछ की जाएगी। मैं आपको बताऊं कि शिल्पा शेट्टी ने कुछ साल पहले जो बिग बॉस होता है इंडिया में, उसका जो इंग्लैंड वर्जन है बिग ब्रदर इंटरनेशनल वर्जन जिसको कहा जाता है, उसको जीता था, और शिल्पा शेट्टी के कैरियर की वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लोगों का ये कहना था कि शिल्पा शेट्टी ने बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है और उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। निश्चित रूप से ये बात तो फैक्ट है, इस तरह का शो जीतना अपने आप में कमेंडेबल है। और वो जो शो होता है उस शो की सबसे खास बात ये होती है कि उसमें आपको अपना रियल करेक्टर दिखाना होता है, आपको ये दिखाना होता है कि आप सही माने में कितने अच्छे इंसान हैं, और उसी शो को शिल्पा शेट्टी ने जीत कर दिखाया था। अब उनके पति ने इस अच्छे इंसान की इमेज पूरी तरह से डिमोलिश कर दी है। और शिल्पा शेट्टी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि शिल्पा शेट्टी ने किस तरीके से अपने पति से ये कहा कि यार तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी, और हमारा तो अच्छा भरा पूरा परिवार था, पैसे की हमें कोई कमी नहीं थी, मेरे पास इतना अच्छा काम आ रहा था। लेकिन शिल्पा शेट्टी के जो पति हैं मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसी तरह की बैकग्राउंड से आते हैं। और देखिए कुछ साल पहले उनका नाम क्रिकेट के लिए जो मैच फिक्सिंग होती है उसमें आया था, राजस्थान रॉयल्स की जो है वो को ओनर रही हैं शिल्पा शेट्टी, शायद अभी भी हैं। और अब शिल्पा शेट्टी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि वो शिल्पा शेट्टी अपने पति के साथ अपने रिलेशंस को किस तरीके से देखती हैं, और क्या उनके रिलेशंस अब उतने बेटर रह पाएंगे जितने पहले थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी जो फिल्म स्टार्स की PR वगैरह को देखते हैं, उन लोगों से मेरी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि भाई देखिए आने वाले समय में कहा नहीं जा सकता कि शिल्पा शेट्टी का कैरियर किस दिशा में जाएगा, क्योंकि शिल्पा शेट्टी को लेकर बॉलीवुड में अब काफ़ी कुछ सवालात चल रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी के साथ काम किया जाए या नहीं, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। तो शायद इसी वजह से अब शिल्पा शेट्टी को लेकर भी बॉलीवुड में एक अनइजीनेस है, और उनके जो खास दोस्त हैं, बताया जाता है कि उन्होंने किसी ने भी फ़ोन कॉल शिल्पा शेट्टी की उठानी बंद कर दी हैं, कोई भी उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, और शिल्पा शेट्टी अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रही हैं।
और उनके जो नज़दीकी दोस्त हैं उनका ये कहना है कि शायद राज कुंद्रा इस मामले में रिहा हो जाएं, जमानत भी हो जाएगी क्योंकि इतना बड़ा चार्ज ये होता नहीं है। लेकिन इसके बाद शिल्पा शेट्टी का करियर और उनकी निजी लाइफ इसी तरीके से चलती रहेगी, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जा रहा है। इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, आप देखते रहिए ग्लोबल हर्ष। नमस्कार।